गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा मथा और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ हमारा एक ऐतिहासिक अग्रीमेंट हुआ है। और ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये इसी के लिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसमें बहुत लोग ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, आपने मेरा हंगर स्ट्राइक देखा है, लेकिन मैंने जो देखा है जब एक गरीब तिपरासा खाली पेट से सोता है वो हंगर स्ट्राइक का कोई नोटिस नहीं करता। जब माँ खुद खाना नहीं खाती और अपने बच्चे को जो भी घर में बचा है वो देता है उसको कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जिस दिन बुबागरा ने हंगर स्ट्राइक किया तो सब ने नोटिस किया। लेकिन ये जो मैंने हंगर स्ट्राइक किया था ये आपके लिए किया था, सबको नोटिस में लाने के लिए। मैं आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारा बात सुना। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्यारे तिपरासा को, जो गरीब तिपरासा है, जो गांव में रहता है, जिनके साथ सब ने खिलवाड़ किया है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। क्योंकि विदाउट यू कुछ नहीं होता। बहुत समय मुझे लगा कि मैं छोड़ दूं, मैं कमजोर था, बीमार था, लेकिन जब आपने मुझे प्यार दिखाया, जब आपने मुझे आपने मेरे लिए आंसू बहाया, तब मुझे लगा कि नहीं, वीर विक्रम का नाती होने के कारण मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैनी पीपल आर सेलिब्रेटिंग, बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, डैनियल कुटिन्यू आई कम टू यू, आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन मेनी अकॉर्ड्स हैव बीन साइंड बिफोर दिस आल्सो, उसके बाद इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? मैं बोलता हूं क्यों, मैं क्योंकि अकॉर्ड्स हमने साइन किए, सेलिब्रेट किया, उसके बाद हमने काम नहीं किया, हम डिसिप्लिन नहीं रहे, अपने बारे सोचने लगे। ये अकॉर्ड एक सही डायरेक्शन में एक दिशा देता है, दिस अकॉर्ड गिव्स यू अ डायरेक्शन, लेकिन इस अकॉर्ड को अगर हमें इन स्पिरिट इंप्लीमेंट करना है तो हमें डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, हमें जितना काम आज तक किया है उससे 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुझे तिपरा मौथा के बारे नहीं चिंता करना है, अब कोई भी हो, बीजेपी से जनजाति मोर्चा का लीडर हो, आईपीएफटी से कोई हो, तिपरा मौथा से कोई हो, कोई भी तिपरा सा, उन सबको जो नॉन पॉलिटिकल है उनको भी लेकर एक कमिटी बनाकर उनसे बात करके उनका व्यू लेकर उनका सलाह लेकर एक टाइम फ्रेम में, और ज्यादा देर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग पूरा जिंदगी वेट नहीं कर सकते, एक टाइम फ्रेम में 6 महीने के अंदर, जहां तक मुझे लगता है 6 से 8 महीने के अंदर इसको डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वाइज अपना जमीन का अधिकार, अपना फाइनेंशियल अधिकार, अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन का अधिकार, अपना इकोनॉमिक अधिकार, अपना इतिहास का अधिकार, अपना कल्चर का अधिकार को हमें पूरा करना पड़ेगा। हां, जो निंदा करेंगे वो निंदा करेंगे, जिनको कंप्लेन करना है वो कंप्लेन करेंगे। बहुत लोगों का दुकान बंद हो जाएगा आज, क्योंकि जब तक तिपरासा को जस्टिस नहीं मिलता बहुत लोग अपना दुकान चला के रखते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मौथा का विक्ट्री नहीं है, ये जाति का विक्ट्री है। लेकिन अकॉर्ड साइन करने के बाद भी काम बाकी है। हां, सेलिब्रेट करो, लेकिन इतना भी सेलिब्रेट मत करो कि सब मिल गया, क्योंकि ये ऐसे ही रकम के अकॉर्ड्स हुए हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला है। तो इसके बाद दिल्ली में होम सेक्रेटरी के साथ, आईबी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ,
हमें बैठकर एक ऐसे लेवल में बात करना है, हम लोगों का एक फ्यूचर सुरक्षित रहे। आज होम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा, उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के इतिहास को मानकर हमें चलना पड़ेगा। आज त्रिपुरा का अगर इतिहास को हमें रिस्टोर करना है तो हमें डिसिप्लिन होकर, एक होकर काम करना पड़ेगा। लोग जो अपोज करेंगे कहेंगे कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास करो, अगर मैं नहीं होता तो आज ये अग्रीमेंट साइन भी नहीं होता। आज ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है ये परिश्रम का लिए हुआ है। फेसबुक में दो तीन चीज लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर आज आप जमीन में नहीं रहते, अगर आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बनके अपने फेसबुक में ही टाइप करते रहते तो क्या मिलता हमें? अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके मैंने गांव में लोगों को मदद किया, और जो लोग टीपरासा होते हैं उन्होंने ही अपने पॉकेट से अपने ही परिवार को जो गांव में रहते हैं उनको एक बार भी सहायता नहीं किया। आप इतना विद्वान हो गए कि आप भूल गए कि सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता है, आपको दिल भी बांटना पड़ता है, आपको एक्चुअली काम करना पड़ता है। मैं अपने समाजपति को, काउंसिल ऑफ टीपरासा होदास को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं शांति काली महाराज को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं सिविल सोसाइटी से बहुत लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, जॉन जमातिया हो, हमालू हो, हमारे बहुत टीएसएफ के लीडर्स है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले शुक्ला मुझसे बात करके गया, शुक्ला को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं बीजेपी से विकास अभी आकर गया, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। अब टाइम नहीं है पार्टी के बारे बात करने के लिए, अब टाइम है कि हम लोग अपने निजे स्वार्थ को अलग रख के एक टीम होकर वो कमेटी में बैठे और जल्द से जल्द वन बाय वन वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कानून पास करें जिससे एक टीपरासा का भविष्य ठीक हो। आज एक मां अपने बच्चे को जीवन देता है, मां को मालूम नहीं है कि बच्चा का कल क्या फ्यूचर होगा, मैं वो फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूं। आज इफ आई वांट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव सेलिब्रेटेड, वी आर हैप्पी, इट्स इन द राइट डायरेक्शन, बट डोंट फॉरगेट द रियल हार्ड वर्क स्टार्ट्स नाउ। So after celebrating, don't sit at home. We have to engage in a dialogue and one by one in the committee pass our land laws, economic rights, ensure 125th amendment is passed, ensure that our land is protected, and also ensure that we can get people jobs and a better future. I love you. लंत में मैं यही बोलना चाहता हूं, आई लव यू, आई हैव फॉट फॉर यू, और मैं कल हताई को तौर आऊंगा। मैंने अभी तक सिर्फ ग्लूकोज और पानी ही लिया है, मैं कल आकर सबसे पहले आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं कुछ लूंगा। अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट। एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले सबको कुछ देता है उसके बाद अपने लिए सोचता है। तो मैं पहले आप सब कुछ देना चाहता था, उसके बाद अपने बारे सोचना चाहता था। बहुत लोगों ने बेइज्जत किया, बहुत लोगों ने नीचे दिखाया, मैंने सब सुना आपके लिए, और आज ये नतीजा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम छोटा सा चिकन ऑर्गेनाइजेशन के संग बात किया, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बात किया, और ऑफिशियली राइटिंग में
हमारा लैंड का, हमारा इकोनॉमिक का, हमारा पॉलिटिकल का, हमारा कल्चर का और हमारा लैंग्वेज का आश्वासन दिया है कि इसको रिजॉल्व करेंगे। ये इससे पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। 2018 में जब IPFT का अग्रीमेंट हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं, वो BJP के साथ हुआ था। ये गवर्नमेंट के साथ है, ये फर्क है। जब गवर्नमेंट कमिटमेंट देता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है, पार्टी के संग अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। ये अग्रीमेंट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड त्रिपुरा माथा, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। मैं कल आ रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू इन हताई कोतर। सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाइए। बहुत लोग ने हमें हेल्प किया है, बंगालीज ने भी हमें हेल्प किया है, मणिपुरीज ने हमें हेल्प किया है, मुसलमान भाई ने हमें हेल्प किया है, बुद्धिस्ट ने हमें हेल्प किया है, क्रिश्चियंस ने हमें हेल्प किया है, हिंदूज ने हमें हेल्प किया है।